BLS इंटरनेशनल नाम का शेयर है जो कल प्रियंका आपको क्लोजिंग में बता रहे थे, और ये एक बेहतरीन शेयर में से एक है। हालांकि इसका पुल बैक आ चुका है। एक बार आप इसका ना मंथली और 2 महीने का भी एक बार चार्ट दिखा पाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। आपको दिखेगा शेयर चला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी स्टीम अभी कम नहीं है। खुश, एक बार ज़रा चेक करना BLS इंटरनेशनल। जी हाँ, देखिए ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। कल ब्रेकआउट आया था ऐसे खराब मार्केट में भी, और रात खराब तो नहीं कह सकते, बट ऐसे मार्केट जो फिलहाल इतना नीचे ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी स्टॉक में फॉलो थ्रू बाइंग अच्छी देखने मिल रही है। सो ये एनकरेजिंग साइन है। मैं एग्जिस्टिंग ट्रेड जो होल्डर्स हैं उनके लिए कहूंगा कि भाई इसमें आप 280 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के होल्ड करिए इसे। फ्रेश बाइंग की सलाह मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 300 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास का कल भी स्टॉक ने हाई बनाया था और वहां से जरा सा नीचे स्लाइड हुआ था। सुबह भी 300 के आसपास ही स्टॉक रेजिस्ट कर रहा है, तो ये एक लेवल हो सकता है जो स्टॉक के लिए एज अ प्रॉफिट बुकिंग लेवल एक्ट करे, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करे। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन काफी अच्छा मोमेंटम आया है स्टॉक में। 280 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल इस मोमेंटम को राइड करिए। अगर ये 305 के ऊपर निकलता है तब फिर आपको इसमें 325 के पहले टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए, बट अप अंटिल देन एग्जिस्टिंग जो होल्डर्स हैं पोजिशन होल्डर्स वही इसे बस अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। ये स्टॉक के मैनेजमेंट हमारे पास आए थे एमपी कुछ दिन पहले, शायद आप थे नहीं यहाँ, हमने उनसे डिस्कशन भी किया था और बहुत प्रॉमिसिंग बातें उनके कमेंट्री से निकल कर भी आई थी। और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया पर अभी भी ये रिवॉर्ड कर रहा है और यहाँ पोटेंशियल बना हुआ है। और सेक्टर इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, आई थिंक सीमेंट स्पेस जो कंप्लीटली रेजिलिएंट है जो इतनी इस बाजार में भी आपको ACC अंबुजा जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव है। अंबुजा में तो खैर फंड रेजिंग का भी एक व्यू है, वो भी एक रीजन है, यहाँ बोर्ड बैठक है, एक वो ट्रिगर भी है, लेकिन अदरवाइज आप ACC को देखें, अंबुजा को देखें, इनका एक ट्रिगर दूसरा भी है, यहां पर भी मूव बनी हुई है क्या? और क्या क्रूड की सॉफ्टनेस से रिलेटेड कुछ काउंटर्स वहां पर क्या आज के लिए बेट्स हो सकती हैं, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज या फिर एशियन पेंट जैसे काउंटर्स में? संतोष, प्रियंका, मेरी नज़र स्पीडी लाइट पे ही थी। इस स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश हो रहा है। ये स्टॉक खुला नीचे लेकिन इमीडिएटली रिकवर करके इस स्टॉक 1% प्लस है। स्टॉक में फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आने की तैयारी है। जैसे ये 2890 के ऊपर सस्टेन करेगा स्टॉक में और 30-40 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी, तो इस स्टॉक को जरूर रेडार पर रखना चाहिए और इस करेंट लेवल पर खरीदा भी जा सकता है। 2860 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक बार CCD का शेयर वापस से दिखाइए, कॉफी डे का शेयर एक बार इसको चेक कर लेते हैं, अगर कहीं गुंजाइश बचती है तो उसके अंदर ट्रेड ले। 6% ऊपर हो गया है शेयर और मार्केट के अंदर अभी है सर इसमें गुंजाइश। संतोष जरा चेक करना इसका सर्किट, मैं आपको जरा देख के बता देता हूँ, शायद 20% का ही है। कॉफी डे की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी बुलिश हो रहा है, हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया भी है कि इसमें लग रहा है कि मुझे लगता है 87 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएटली इसमें 74 का टारगेट नजर आता है। नीचे मुझे लगता है जो कल का हाई था 66 का जो गैप पर सर्किट लगा था वो अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, तो उसके स्टॉप लॉस से इसको खरीदा जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 74 एंड 87। 20% का हालांकि इस पर सर्किट अभी 6.5% ऊपर है, थोड़ा वॉच कीजिएगा इस शेयर को, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है। कल इस पर सर्किट था, आज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहा है और उम्मीद तो है कि शायद मूवमेंट आपको स्ट्रॉन्ग आने वाले दिन